गरियाबंद जिले में शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल। 29x30 पिता के भवन में दो शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहा है 5 कक्षा। जी हाँ, आपको बता दें, गरियाबंद जिला वनांचल क्षेत्र है। यहाँ शिक्षा क्षेत्र में भारी अव्यवस्था देखा जा सकता है। आए दिन शिक्षा विभाग चुटकियाँ बटोरते रहता है। वहीं गरियाबंद मुख्यालय से लगभग 12 से 15 किलोमीटर की दूरी में भीरालाड संकुल आमदी है, जहां पर प्राथमिक स्कूल संचालित है। बता दें कि उक्त प्राथमिक स्कूल महज 29x30 बीते भवन में संचालित है। यदि स्क्वायर फीट की बात करें तो लगभग 700 वर्ग फीट से ज्यादा नहीं है, जिसमें 5 कक्षाएं संचालित हो रही है। वहीं 5 कक्षा जो है 2 रूम में ही संचालित हो रही है। बता दें कि इस भवन में सिर्फ 2 ही रूम हैं, जिसमें प्रधान पाठिका कक्ष समेत पूरा क्लास संचालित होती है। इधर छत्तीसगढ़ सरकार आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल लगातार खोल रही है। करोड़ों का बजट इस योजना में खर्च कर रहे हैं। क्या शासन प्रशासन को इस पुराने स्कूलों की सुध नहीं लेनी चाहिए? बता दें कि भीरालाड गांव जंगलों के मध्य स्थित है। इस गांव में स्थित प्राथमिक शाला स्कूल भवन में अतिरिक्त कक्षा की आवश्यकता है। वहीं इस स्कूल के शिक्षक योगेश ध्रुव ने बताया कि इस स्कूल के समस्या को उच्च अधिकारियों को अवगत करा दी गई है, लेकिन अब तक इसका निराकरण नहीं हुआ है। उक्त स्कूल के संकुल प्रभारी कमलेश कुमार से भी चर्चा की गई तो उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि उक्त स्कूल की जो समस्या है उसको उच्च अधिकारियों को अवगत करा दी गई है, जिससे जल्द कुछ निराकरण होने की उम्मीद है। वहीं इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी करमन खटकर को संपर्क किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। बता दें कि जिले भर में ऐसे कई स्कूल होंगे जिनको मरम्मत की जरूरत है। कई ऐसे गांव हैं जहां की स्कूलों में काफी व्यवस्था की जरूरत है। इस ओर प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। सर, ये आपका जो प्राथमिक शाला है वो कितने कक्षा में संचालित है? यहाँ शाला में 2 कक्षा है। हाँ, एक थोड़ा बड़ा सा हाल है और एक छोटा सा। हाँ, ये दोनों कक्षा में 5 क्लास संचालित हो रहा है। जी सर। हाँ, और कोई अतिरिक्त कक्षा है यहाँ? नहीं है। नहीं है जी। यहाँ कितने स्टाफ है सर? यहाँ 2 स्टाफ है। 2 स्टाफ है, टीचर में 2 है। जी जी, आपका क्या नाम है? योगेश। ये जो दो जो आपके पास कमरे हैं, इसमें 5 क्लास लगता है क्या? आपको नहीं लगता है सर कि इसे दिक्कतें होंगी, बच्चों को पढ़ाई में तकलीफ आती होगी? ये दिक्कतें हैं, पर्दा संख्या कम है, 20 बच्चे हैं। आप लोगों को अतिरिक्त कमरे की यहाँ और आवश्यकता है? नहीं है, आवश्यकता है नहीं। प्रशासन स्तर पर अपने स्तर में आप जानकारी दे चुके हैं? जी, हो गया है। और यहाँ से फोटोग्राफ वगैरह भी भेजे थे।